अगली खबर में बात करते हैं हिंदूवादी संगठन को लेकर। जिले के प्रसिद्ध शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट को सरकारी ट्रस्ट बनाए जाने के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, शहर में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पत्र के माध्यम से विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि 1980 में शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर के विकास के लिए आशुतोष अर्पणा लोक कल्याण ट्रस्ट का गठन किया था। पिछले 42 सालों से लोक कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर का प्रबंधन और विकास किया जा रहा है। हाल ही में पता चला कि 4 लोगों ने कुंडेश्वर मंदिर के प्रबंधन के लिए सरकारी ट्रस्ट बनाए जाने की मांग की है। सिर्फ 4 लोगों के कहने पर जिला प्रशासन ने इस संबंध में प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दावे आपत्तियों के संबंध में मंदिर परिषद ने नोटिस चस्पा किए हैं। सरकारी ट्रस्ट बनाए जाने के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने कुंडेश्वर मंदिर के विकास के लिए पूर्व संचालित लोक कल्याण ट्रस्ट को ही यथावत रखने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसे सरकारी ट्रस्ट बनाया गया तो जिले में हिंदू समाज के लोग उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस अवसर पर विजय राघव मंदिर के महंत बबलू महाराज, राजकुमार पाठक, विनोद आदित्य तिवारी। महादेव जी का जो ट्रस्ट 1980 से संचालित है, उसको तथाकथित समाज के 4 व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन दिया गया, एक आवेदन दिया गया, उस पर कलेक्टर महोदय ने तत्काल कार्रवाई कर सरकारी घोषित करने की योजना बनाई है और उसका अभी समय चल रहा है दावा आपत्ति का। यदि अपन दावा आपत्ति अपनी हिंदू समाज नहीं करती है तो वह सरकारी घोषित हो जाएगा। ये ट्रस्ट को शासकीय बनाया जाए उसके विरोध में इनका आज ज्ञापन भी प्राप्त किया है, तो इस विषय में जो है माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र जाएगा और